बच्चों के रिजल्ट से खेल करवाती हो, पुलिस बुला के तुम लाठी चलवाती हो। जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं, और जो चुप्राटर की कुर्सी हिला दे और कुर्सी से इस्तीफा दिलवा दे उसे हम जैसे बैठे क्रांतिकारी छात्र और नौजवान कहते हैं। चुप्राटर तुम इस्तीफा दे दो। बच्चों के भविष्य से खेल करवाती हो, बच्चों के भविष्य से खेल करवाती हो, पुलिस बुला के तुम लाठी चलवाती हो, पुलिस बुला के तुम लाठी चलवाती हो, बच्चों के भविष्य से खेल करवाती हो, बच्चों के भविष्य से खेल करवाती हो, पुलिस बुला के तुम लाठी चलवाती हो, पुलिस बुला के तुम लाठी हो, जेल भेजवाती हो, जेल भेजवाती हो, जेल भेजवाती हो, जेल भेजवाती हो, चिपाकर तुम इस दीपा दे दो, चिपाकर तुम इस दीपा दे दो, चिपाकर तुम इस दीपा दे दो। हम सब एक हैं ये भी तुम जान लो, हम सब एक हैं ये भी तुम जान लो, दो गिर जाइन अब तुम भी मान लो, हमें पहचान लो, हमें पहचान लो, हमें पहचान लो। जब भी कोई आंदोलन का रूप होता है तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे ढोलक और झाल बजते हो तो समझ जाए उस आंदोलन का क्या रूप होगा। देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस समय छात्र आंदोलन कर रहे हैं और गाने के माध्यम से ये कह रहे हैं कि चिप्राटर तुम इस्तीफा दे दो। और अपने गाने के माध्यम से ये छात्र दर्जनों के संख्या में है, छात्र हैं, और कम से कम ये 11 बज चुके हैं और कुछ देर पहले बारिश हुई थी, इस समय बारिश रुका हुआ है। ये बताइए कि कब से ये गा रहे हैं और कब तक ये ढोल आप लोगों की बजेगी? ये ढोल तब तक बजेगी जब तक वो कुर्सी ना छोड़ दें। हाँ, कुर्सी छोड़ देने के बाद और तेज बजेगी। अच्छा, हाँ। तो ये जो गाना आप लोग गा रहे हैं, थोड़ा इस गाने का श्लोक, जो श्लोक क्या है इस गाने का? वही बोल चिप्राटर को हटाने के लिए लिखे हैं। हाँ। चिप्राटर तुम इस्तीफा दे दो, बच्चों के रिजल्ट से खेल करवाती हो, पुलिस बुला के तुम लाठी चलवाती हो, हो जेल भेजवाती हो, जेल भेजवाती हो, चिप्राटर तुम इस्तीफा दे दो। तो देखिए कि ये गाना भी अब लिख चुके हैं लोग, और आपको बता दें कि जाहिर सी बात है ये लोग गायक भी हैं, तो कुछ देर दिन बाद आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, ये गाना रिलीज भी हो सकता है। ये बताइए कि अगर आंदोलन के माध्यम से जो चीज़ चाह रहे हैं अगर वो नहीं पूरा होता है तो क्या आप करेंगे? अगर आंदोलन हमारी जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं की जाती तो हम इसको आंदोलन को आमरण अनशन में बदलेंगे। तो ये सर यहीं पे पंत प्रशासनिक भवन के सामने आप लोग हैं, अभी तक आप लोगों से कुलपति या बड़े लोग कोई मिलने आए अधिकारी आप लोगों से? अभी तक हम लोग से कोई अधिकारी मिलने नहीं आया, बाकी हम लोग के जो चिप्राटर महोदय हमारे बगल से अगर गुजरती भी तो उनको आज तक ये नहीं पता कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको हटाने की मांग कर रहे हैं, वो कहती हैं हमें तो पता ही नहीं है कि कोई आंदोलन चल रहा है। ठीक है, इन अधिकारियों के अंदर डर क्यों नहीं पैदा हो रहा भाई? डर पैदा हो गया है, और मैं इतना ही बताना चाहूँगी जो जहाजों को पलट दे उसे तूफान कहते हैं। हाँ। और जो चिप्राटर की कुर्सी हिला दे और कुर्सी से इस्तीफा दिलवा दे उसे हम जैसे बैठे क्रांतिकारी छात्र और नौजवान कहते हैं। तो पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि चिप्राटर अगर इस्तीफा नहीं देंगे, जो छात्र बैठे हैं इतना मजबूत है छात्र संघ विश्वविद्यालय का कि राजभवन जाने का भी कार्य करेगा, और बिना इस्तीफा के ये धरना, ये जो छात्र शक्ति बैठी है ये रुकने वाली नहीं है। ये महात्मा गांधी की बगिया है, यहाँ पे हम लोग उनके आचरण शांतिपूर्ण कर रहे हैं, और यहीं से चंद्रशेखर आज़ाद जी पढ़े हैं। अगर गांधी जी के विचारों पर अगर विश्वविद्यालय नहीं चलेगा तो हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के विचारों पर उग्र होते हुए चिप्राटर का इस्तीफा दिलवाया जाएगा। और मैं पूरा विश्वास है कि चिप्राटर 1 से 2 दिन के अंदर इस्तीफा दे देंगी, क्योंकि धरना बहुत ही बड़े लेवल पर छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ, छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ उग्र आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेगा। ठीक है,
ये बताइए कि आप लोग दिन में भी धरना दे रहे थे, अब रात में भी देना शुरू कर दिए, क्या कुलपति और आला अधिकारियों को आप लोगों से डर लगेगा? बिल्कुल डर लगेगा, क्योंकि उन्हें ये बात लगभग तय हुई, अभी हमारी शाम को कुलपति सर से भी मुलाकात हुई थी, उनका कहीं ना कहीं ये लोग भी डरे हुए हैं। हमारे जो चिपराक्टर महोदय हैं ये संघ की सेविका भी हैं, जो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों से अपने संघ में और कई सारे मंत्रियों को बीसी सर के पास फोन आ चुका है, बीसी सर दबाव में है, हम लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आप एक बार इन्हें और अवसर दे दें, लेकिन हम सभी छात्र हैं, इनके जो हम छात्रों पर जिस प्रकार बर्बरता की गई है उनके खिलाफ आज हम सभी एकजुट हुए हैं। आज हम लोग का धरना का तीसरा दिन है, लेकिन हम लोग किसी भी न बीसी सर के न किसी भी आला अधिकारियों के कहने पर आएंगे, हम छात्र अभी रुकेंगे जब तक हमारी मांग उनके इस्तीफे में न बदल जाए। क्या कहेंगे, क्यों धरने पर बैठे हैं? धरने पर हम लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 30 तारीख को थर्ड ईयर का रिजल्ट आया था, जिसके विषय में हम लोग उसमें अधिकतर बच्चों का जो नंबर आया था वो एबसेंट शो कर रहा था और बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज, जो कि 30-40% शो कर रहा था, और इस विषय में हम लोग चीफ प्रॉक्टर महोदय को भी ज्ञापन दे चुके थे, तो वो बोले कि तकरीबन 3-4 दिन में चीज़ सही हो जाएगा। फिर तकरीबन 10-12 दिन बीतने के बाद फिर हम लोग गए और हम लोगों ने बात करना चाहा कि वीसी सर से हम लोग बात कर लें, तो वीसी साहब के पास जब लोग पहुंचने वाले थे तो चीफ प्रॉक्टर महोदय ने हम लोग को रोक लिया और हम लोग के ऊपर अत्याचार करते हुए, पुलिस प्रशासन को बुलाते हुए हमारे सभी छात्र भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज करवाए, जिसमें मेरा सर भी फट गया था। ठीक है, तो ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र थे और ये रात को भी अपना धरना प्रदर्शन अब तेज कर दिए हैं, और सीधे तौर पर इनका यही कहना है कि जब तक चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा नहीं देंगी ये रात और दिन में ढोल बजाते रहेंगे। तो लगातार देखने के दिलचस्प ये होगा कि अब ये छात्र हारते हैं या प्रशासन, जो यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी हैं वो जीतते हैं। तो लगातार ये रात से ही हम खबर दे रहे थे, हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।